दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरा नाम रामपाल कंडेला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भारत। आप इस यूनियन से जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन? भारतीय किसान यूनियन। कितने टाइम से आप इस यूनियन में? मैं तो इसमें 48 साल से। मतलब ये कितने साल पुराना है फिर ये यूनियन? हाँ जी, कितने साल हो गए इस यूनियन को? इस यूनियन को 48 साल हो गए। 48 साल हो गए? हाँ जी। तो मतलब कि आप पहले दिन से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं? पहले दिन से नहीं बैठे बेटी, हम तो अब आए हैं, तंग कर दिए इस सरकार ने, उसके बाद में हमने ये प्रोग्राम बनाई है और 26 तारीख से हम यहाँ पर जमा हैं। जब तक ये सरकार हमारी ये जो तीन मांगे हैं उनके बारे में निर्णायक हमारे को सबूत नहीं दे देती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और हमारा अगर जो सरकार इसी प्रकार से अड़ी रही दो तीन दिन तक और, तो हमारी घोषणा है क्लियर, हम 26 तारीख का जो है नी समागम जो अपने देश का गणतंत्र दिवस का है वो यहीं पर हम लाल किला पर ही अपना हम मनाएंगे, हम इनको नहीं मनाने देंगे। अच्छा, मतलब कि आप लोग यहाँ इस बॉर्डर पे ही? हाँ, इस बॉर्डर को ही लाल किले में तब्दील कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, लाल किला की जहाँ मखमल की धरती के उप मखमल की तरह जो समागम करते हैं ये लोग, हाँ? उस पर हम जाएंगे, हमारे जवान जाएंगे, हम जाएंगे, पहली बारी मतलब तब्दील होगी देश में। और सरकार ने, हाँ, इस तरह जो 26 तारीख को आपको रोकने की कोशिश की थी, वैसी कोशिश अगर दोबारा, अगर तो कोशिश है तो कोशिश कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आज भी जा सकते हैं, मगर हमने एक विश्वास का की बात कर रखी है सरकार के ऊपर, विश्वास करके उसकी आत्मा को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, ठीक है, भगवान उसके उसको शांति दे, इस बात का समर्पण करके हम यहाँ बैठे हैं, नहीं तो हम अब भी जा सकते हैं, उनकी बस की बात नहीं है हमारे को रोकना। देश का जो है हम जो है अन्नदाता कहते हैं हमारे को, हम देश के लिए जो है अंत पैदा करते हैं, देश की सेवा करने के लिए बच्चे तैयार करते हैं, हम ऐसे वैसे नहीं हैं, ये लोग तो सारे के सारे खाने के लिए काम करते हैं, हम जो है देश को बचाने के, देश में जनता को सुखी से रहने के लिए और मजदूर को और भूखे आदमी को बचाने के लिए करते हैं। अन्नदाता ही सड़क पर आ चुका है ना, उतर चुका है, तो अन्नदाता की उन्होंने गलत कार्य कर रखा, उसी वजह से बेटी हम ना आना पड़ रहा है, नहीं हम क्यों आते हैं यहाँ पर, अन्नदाता तो अपना खेत में होता था। देखिए, हमारा परिवार को तो हर रोज पहले भी समस्या थी, हमारी समस्या किसी ने नहीं नबेड़ करी, आप जैसे जो संवाददाता आ रहे हैं, आप जैसे जो संवाददाता हैं, शायद हो सकता है आपके परिवार को तो थोड़ी बहुत चिंता होगी, हमारे परिवार को चिंता नहीं, वो हमारे पीछे से हमारा काम सारा करने लग रहे हैं जो हम किया करते थे वहाँ पर, हमारा छोटा बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक, 90 साल का बूढ़ा तक हमारा काम करता है, हमें इनकी तरह जो है आराम से बैठने की तक मतलब जरूरत नहीं है और ना हम बैठते हैं। लेकिन अब दिसंबर का महीना चल रहा है, रात अभी तो धूप है लेकिन रात के टाइम तो ठंड हो जाएगी। हाँ, ठंड हो जाएगी, ठंडी मैं और ठंडा पानी में दोनों जगह पर हम खड़े होते हैं, जेठ के महीने में ऊपर से तपत होती है, नीचे से जो है गर्मी होती है पानी की भी, तब भी हम जो है अपना धान का काम करते हैं, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है, ये तो परवाह यहाँ वालों के लिए है जो कुर्सी पर आराम करते हैं, देश में जो देश को जो है अपना आपको आराम बनाते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ है। अच्छा, आप लोगों ने ये जो सफेद पगड़ी बांध रखी है वो ये किसान यूनियन का कोई साइन है, कोई चिन्ह है? किसान यूनियन का साइन नहीं है, ये किसान का साइन है, जो भी हम गांवों में होते हैं उनका एक मुख्य साइन है, वो 50 साल के बाद में पगड़ी वाला होगा, उसका मान सम्मान होगा, ठीक है, उसमें एक दूसरे में पता होता है पद का, अगर भाई ये जो है बड़ा आदमी हो गया तो अब इसका उस ढंग से काम करो। आप इस आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इतने दिनों से आप देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से, सरकार का क्या रुझान है किसानों के लिए, किस तरह से वो क्या कर रही है किसानों के लिए, तीन बैठक हो चुकी है, चौथी बैठक भी कल हो चुकी है, उसके बाद भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। आज ये तो तारीख पर तारीख, हमने पल्ले पता था, अब तारीख पत्थर लगा कि फिर यहाँ से नहीं उठने वाले, और ये रही राजनेता, ये जो राजनेता लोग हैं ये सारे एक ही के वह है, इन्होंने पहले भी कोशिश की थी, वह राजीव गांधी के टाइम में भी महेंद्र सिंह टिकैत की अध्यक्षता में यहाँ आए थे, वहाँ वापस कर दिए थे, और उसके बाद मैं एक और बात बता दूँ पीछे की, कि मैं विदेश में गया था उसकी चर्चा कर दूँ, मतलब 20 फरवरी को 1999 को जींद में
महेंद्र सिंह टिकेत की और काशीराम मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में 3 लाख किसानों की अध्यक्षता में रैली हुई थी और वहाँ यूरोप के 3 देशों के किसान आए हुए थे, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। उन्होंने डिमांड की कि वहाँ आइए और ये जो 3 काले कानून आपने लागू कर दिए वही भी लागू कर दी स्त्री है। तो इन्होंने फिर मतलब वे जो फरद मांगी और उसके हिसाब से 650 किसान जून में हवाई जहाज में यूरोप में पहुंचे, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, स्पेन, तो 11 देशों में हमने इसी तरह आंदोलन करके वहाँ 42 देशों के किसान थे और वह हमें वापस की कर दिए और दूसरे देश में हम किसान वापस कर चुका हैं। तो ये तो हमारे घर की बात, या तो हमारा भाई आता खेला कितना भी हो कर लियो हम इसको वापस करके रहेंगे। मतलब कि इरादे पक्के हैं, चाहे प्रशासन कुछ भी करे, किसान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसान आर पार की लड़ाई के मूड में पहले से है। 3 महीने तो ये पंजाब के हैं जो हमारे बड़े भाई हैं, ये मतलब रेल की पटरी बैठे रहे और ये हमारा जो सीम है, खट्टर बोलते हैं इसको, 4 दिन पहले इसको मीडिया में, टीवी में, खबर में दी। अब हरियाणा तो एक भी नहीं है, आप देखो आपके चैनल से देखो हरियाणा कितना है, तो आप अंदाजा ला लियो हरियाणा से कम 5,000 क्विंटल लस्सी आती है, वह मदद अलग और दूध भी आवा, खाने पीने की व्यवस्था सारी है, सब उसका है, तो मूड में है, कोई समस्या नहीं है, बस आपको ये है कि सरकार बस ये कानून जिस दिन वापस ले लेगी आप उस दिन हाँ समस्या कोई नहीं, हाँ उस टाइम उठ जाएंगे, नहीं उठेंगे आपके मन से चेतावनी है और दिल्ली को ये मेट्रो बंद कर देंगे, वो ये हमारे नेता हैं जो किसान के सभी साफ धमकी दे रहे हैं सरकार को कि आप मेट्रो सब कुछ बंद कर देंगे ताकि आवाजाही बंद हो जाए। हाँ सभी संगठन इनका दिल्ली दूध पानी भी कर देंगे, अब तो कराया को नहीं, हम तो इनकी सेवा करा है। तो उसके बाद हमारे जो ये नेता है 50 संगठन है ये बेटे, 50 संगठन एक है, जिस तरह राजनीतिक एक है नहीं, इसीलिए किसानों के भी 500 संगठन एक है, ये एक एक, एक माड़ा में फिरे हुए आज पदन। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो आप चारों तरफ चक्का बंदी और वो कर देंगे, उसकी वजह से तो लोकल लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसकी जिम्मेवारी सरकार की है, क्यों हमें सरकार को पहले हरियाणा में 1.25 लाख तो मतलब वे भेज सके हैं, पहले मतलब पोस्टमार्टम के दिए थे और वहाँ यात्रा भी निकाल चुके हैं और जो हमारे 10 सांसद हैं उनको भी मोदी नाम से मतलब वो देश को है, चेतावनी देश के हैं, हमने मतलब आत्मा से आराम से आंदोलन लड़ते आ रहे हैं, ये बार पारी की लड़ाई के मूड में है, उसकी जो यहाँ जान माल का नुकसान होगा उसकी सेंटर जिम्मेवार होगी बेटे।